सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, ससुरालियों पर एफआईआर दर्ज। मैनपुरी में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में आरोपी 5 ससुराली जनों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के करहल चौराहा निवासी प्रमोद सक्सेना के बेटे नितिन की शादी कानपुर निवासी अंजलि सक्सेना के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुराली जन कई बार अंजलि के साथ दहेज को लेकर मारपीट कर चुके हैं, जिसमें पुलिस ने समझौता करा दिया था। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराली जनों ने अंजलि की गला दबाकर हत्या की है। हत्या क्या, मेरी बुआ की लड़की है, रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ पर उनकी शादी हुई थी गायत्री क्लॉथ स्टोर वालों के बेटे के साथ। शादी को कई साल हो चुके हैं, तो कल हमारे पास फ़ोन आया शाम को कि आपके बेटे की तबीयत ख़राब है। तो हम इस हिसाब से पहुँचे कि देख के आएंगे क्या तबीयत ख़राब है। जब वहाँ पर हम पहुँचे हैं तो हमें लगता है कि उनकी डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई है, मुंह से ब्लड निकल रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि आप तो बता रहे थे कि तबीयत ख़राब है, ये ख़त्म कैसे हुई? तो उन्होंने बताया कि दौड़ा पड़ा, अचानक ख़त्म हो गया। इस बात की प्रार्थना हमने पुलिस में दी, तो पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लिया और यहाँ पर भेजा है हॉस्पिटल में। और सुना है कि कई बार विवाद भी हो चुका है। हाँ, इससे पहले कई बार विवाद भी हुआ और कई बार कंप्रोमाइज़ भी किए गए हैं पुलिस के द्वारा, और हम भी कई बार बीच में जा चुके हैं 2 साल पहले और 3 साल पहले। कई बार मार के भगाया भी गया लड़की को और कई बार प्रताड़ित किया गया, और हर संभव हमने कोशिश करी किसी प्रकार निभ जाए घर में, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी नहीं माना। और आज की डेट में उनकी बॉडी घर में निकली है, तो हम चाहते हैं कि हमें हमारे साथ न्याय की एक क्या लगता है आपको प्रथम दृष्टया क्या लगता है? हमें तो लगता है कि उनको साथ जहर दे के मारा गया, जी हमारे अनुसार है, क्योंकि जब हम पहुंचे तब जहर के अनुसार जैसे कि मुंह से खून निकलना या झाग आना, इस तरीके की वहाँ पर हमने उनकी बॉडी से निकलते हुए देखा था। तो दिनेश सक्सेना है, मेरी बेटी अंजलि सक्सेना, और हमने इनकी शादी मैनपुरी में 2008 में की थी। और शादी के बाद 5-6 महीने बाद इन्होंने उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जी। आए दिन मार के पीट के भगाते थे। हमने पुलिस कार्रवाई करी, 2-3 बार पुलिस कार्रवाई करी, फिर एक बार कंप्रोमाइज भी कराया। हमें लड़की का मामला किस तरह सुलझा, इन्होंने हमको लगभग 8 बजे के फ़ोन किया कानपुर कि आपकी बेटी की तबीयत खराब, जल्दी से आ जाओ। तो हमने अपने बच्चों को फ़ोन किया, बेटा देखो अंजलि की तबीयत ख़राब है, फटाफट मैनपुरी चलो। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि अब आपकी बेटी डेथ हो गई। तो इन लोग, हम लोग 1 बजे पहुँचे तो देखा कि हमारी बेटी पड़ी हुई है, मुँह से झाग आग खून वून निकल। अच्छा, यहाँ मैनपुरी में किस किन के लिए अपने लड़की का विवाह किया था? हाँ, ये प्रमोद सक्सेना, वो नितिन सक्सेना, गायत्री क्लॉथ स्टोर भावत चौराहा सफेद मठिया के पास। तो उनके लिए लड़की की थी। हाँ, उनके लिए। अच्छा, तहरीर दी है पुलिस में, क्या लगता है आपको? तहरीर दी है, इंस्पेक्टर साहब ने कहा जब तक पीएम नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, प्रताड़ित करते थे, किस बात को लेकर प्रताड़ित करते थे वो? यही कहते थे कि लड़की तुम्हारा, कई बार उन्होंने उसको मारा पीटा, उनके रिश्तेदारों को भी हमने बीच में डाला। तो